हेलो, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ दीपिका सिंघल। मशहूर फोटोग्राफर डब्बू रत्नानी का कैलेंडर लॉन्च इस समय काफी सुर्खियों में बना हुआ है। एक से बढ़कर एक हसीनाओं ने ग्लैमर का तड़का लगाया है। कियारा आडवाणी, सनी लियोनी और भूमि पेडनेकर ने टॉपलेस शूट जो करवाया है इसमें। हालांकि कियारा आडवाणी के जो फैंस हैं उनसे तो सवाल भी कर रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि आपके कपड़े कहाँ गए। लेकिन ये कैलेंडर लॉन्च एक और वजह से सुर्खियों में बन गया है और उसकी वजह है रेखा। जी हाँ, रेखा जहाँ भी जाती हैं वो सबकी अटेंशन तो पा ही लेती हैं, लेकिन यहाँ भी जब रेखा पहुँची तो वहाँ पर रेखा ने कुछ ऐसा कर दिया जिसने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। अब रेखा ने क्या कहा वो भी मैं आपको बताऊंगी। फिलहाल ये बता दूं, रेखा ने यहाँ पर कुछ ऐसा कह दिया कि वो बात अमिताभ तक पहुँच गई। जी हाँ, हमेशा अमिताभ के बारे में कुछ भी बोलने से बचने वाली रेखा यहाँ पर अमिताभ के बारे में कुछ ऐसा बोल गई जिसे सुनकर, जब अमिताभ इसे सुनेंगे ना तो अमिताभ भी चौंक जाएंगे कि भाई ये क्या था। चलिए, ज़्यादा आपको वेट नहीं कराती हूँ, ज़्यादा ना बताती हूँ, आपको खुद ही ये वीडियो दिखा देती हूँ, देखिए। मैडम समोर। तो देखा आपने, बदले बदले अंदाज रेखा के यहाँ पर नजर आए। वैसे रेखा यहाँ पर काफी ज्यादा गॉर्जियस लग रही थी। ब्राउन शेड और रेड कलर की लिपस्टिक और व्हाइट कलर की और गोल्डन जरी वाले बॉर्डर की साड़ी में रेखा काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। वैसे रेखा तो खूबसूरत है ही, लेकिन यहाँ पर जैसे कि हमने देखा कि हर बार वो कांजीवरम साड़ी में नजर आती है, लेकिन यहाँ पर वो सिल्क की साड़ी में नजर आई। जैसा भी है, जो भी है, लगभग खूबसूरत रही थी, लेकिन उनका जो बबली अंदाज था ना, सबको सबसे ज़्यादा वही ज़्यादा पसंद आया। क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जब शूट करा रही थी रेखा, तो जब कैट वॉक करते हुए वो पोज दे रही थी, उस दौरान सभी उनका फोटोशूट कर रहे थे, तभी वो चलते 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 वहाँ पहुँच जाती है जहाँ पर लगी होती है अमिताभ की फ़ोटो। जी हाँ, अमिताभ की फ़ोटो को देखकर अचानक से रेखा बोलती है, नहीं यहाँ तो डेंजर जोन है। तो यही सुनकर सब लोग हंस जाते हैं काफ़ी, और रेखा का यही बबली अंदाज सब की और जो सबका ध्यान उन्होंने जो आकर्षित किया वो काफ़ी लोगों को पसंद आया। वहाँ पे जो भी पत्रकार थे वहाँ पर, वो भी मतलब वो अपनी हंसी नहीं रोक पाए कि रेखा ने ये क्या कहा। क्योंकि आपको पता है कि हमेशा हम कोई शो देखते हैं या फिर किसी भी प्रोग्राम में देखते हैं, अगर रेखा और अमिताभ आमने सामने आ जाते हैं तो दोनों एक दूसरे को इग्नोर करते नजर आते हैं। लेकिन यहाँ पर रेखा ने इग्नोर नहीं किया, बल्कि कुछ अमिताभ के बारे में ऐसे कह दिया, भाई हमें तो रेखा का ये अंदाज काफ़ी पसंद आया, आपको कैसा लगा हमें कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए न्यूज़ नशा को, और इस वीडियो को अगर जो ये वीडियो जो मैंने आपको दिखाया है अगर आपको ये पसंद आया तो इसे लाइक भी कर दीजिएगा, और हाँ न्यूज़ नशा को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज़ नशा की वेबसाइट पर जाएं, आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।